दोस्तों, बहुत से लोग अपना YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं पर उनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि उनको कौन से बेसिक इक्विपमेंट्स चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें चाहिए जिसको यूज़ करते हुए वो अपनी व्लॉगिंग करें और एक अच्छा YouTube चैनल बनाएं जिसे लोग देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उनको अच्छे रिजल्ट मिलें। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको कौन से ऐसे इक्विपमेंट चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें चाहिए जिसको आप यूज़ करते हुए एक अच्छा अपना YouTube का चैनल शुरू कर सकते हैं एट बिगिनिंग लेवल, और उसमें आप बार बार इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों को ऐड करते हुए। वैसे तो सिंपली आप अपने मोबाइल फ़ोन से, सेल फ़ोन से अपनी वीडियो बना सकते हैं किसी भी चीज़ की। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं पहले दो तीन बता देता हूँ जो कि आपके YouTube चैनल के लिए चाहिए होती हैं। एक तो आपका किस बारे में YouTube चैनल है, आपकी नीश क्या है, आपका टारगेट क्या है। क्या आप कुकिंग के बारे में YouTube चैनल बनाना चाह रहे हैं, आप ट्रैवलिंग के बारे में बनाना चाह रहे हैं, आप होम अप्लाइंस के बारे में बनाना चाह रहे हैं, या आप टेक्नोलॉजी के बारे में बनाना, किसी भी चीज़ के बारे में आप बनाना चाह रहे हैं, आपके कंटेंट टारगेटेड होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए जिससे आपके देखने वालों को एक अच्छा तासुर जाए कि एक बेहतरीन वीडियो है। इसके अलावा जो इससे भी ऊपर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी ऑडियो क्वालिटी। वीडियो क्वालिटी पे फिर भी कंप्रोमाइज़ हो सकता है, लेकिन जो कि ऑडियो है, जो कि कोई सुनता है आपका व्यूअर और उसको समझ आती है, फिर वो जिसके लिए आपकी वीडियो या आपके चैनल पे वो आता है ताकि वो उसको सुने, उसको समझे, उसको सीखे और वो अपनी डेली लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करे सीखे, या फिर उससे लुत्फ़अंदोज़ हो आपकी कोई पिक्चर देख के या आपकी कोई वीडियो देख के या आपसे कुछ सीख के या आपके लतीफ़े सुन के जो कि आपने अपलोड किए होंगे अपने चैनल पे या कोई भी आपने चीज़ की हो। तो आइए देखते हैं कि कौन से ऐसे इक्विपमेंट हैं जो कि आपको चाहिए। सबसे पहले आपकी जो बहुत ज़रूरी चीज़ है जैसे मैंने आपको बताया वो है माइक। माइक डिफरेंट किस्म के आते हैं जो कि आप अपने YouTube के लिए या रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि सबसे चीपेस्ट, लो कॉस्ट या आप कह लें कि एक सस्ता माइक है जो कि बेसिकली कॉलर माइक है। यहाँ पे मैं भी इसको यूज़ कर रहा हूँ और आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सिंपली आप इसका जो जैक है या इसका जो कनेक्टर है वो अपने मोबाइल फ़ोन पे या अपने कैमरा पे आप इसको इंसर्ट करें और इसको आप अपने कॉलर पे लगा के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी बेहतरीन वॉइस क्वालिटी है जैसे कि आप सुन भी पा रहे हैं। इसके अलावा आपको एक अदद कैमरा चाहिए। वैसे तो आपको मैंने पहले बताया कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी वीडियो बना सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अच्छे रिजल्ट के लिए आपको अच्छा कैमरा चाहिए जो कि आपके देखने वालों को भी आपकी वीडियो पसंद आए। ये हमारे पास सोनी का कैमरा है। ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव है लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप बिगिनिंग लेवल पे अपने मोबाइल फ़ोन से भी वीडियो बना सकते हैं और आपको आप जो है कोई किसी और कैमरे से भी बना सकते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब आप अपने चैनल अच्छा हो जाएगा, आप उसको मोनेटाइज करेंगे, उससे आपकी अर्निंग होगी, तो आप अच्छा से अच्छा कैमरा ख़रीद सकेंगे एक दिन ज़रूर। ठीक है, ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये बेसिकली एक ग्रीन शीट है, इसे क्रोमा की भी कहते हैं। ये आप यूज़ करेंगे अपने बैकग्राउंड पे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक वाइट बैकग्राउंड है। ये ग्रीन शीट का काम क्या होता है कि अगर आप इसे अपने बैग पे लगा लें और जब आपकी वीडियो बन जाए, सॉफ्टवेयर एडिटर को यूज़ करते हुए आप अपना बैकग्राउंड कोई भी चेंज कर सकते हैं। आपने टारगेटेड
आप जिसके बारे में बनाना चाह रहे हैं, आप पीछे बीच ले आएँ, आप बेशक पीछे कोई पिक्चर ले आएँ, पीछे आपको कोई प्रॉपर्टी का साइन बोर्ड ले आएँ या कोई भी बैनर ले आएँ, कुछ भी आप कर सकते हैं। इसके लिए ये शीट ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक माइक है, जैसे आप देख सकते हैं, पहले हमने आपको दिखाया था बोया M1 जो कि कॉलर माइक है। ये है रॉड कंपनी का माइक है, ये शॉर्ट गन माइक है। ये शॉर्ट गन इसलिए कहते हैं कि ये गन की तरह होता है। ये आपके जो जो मोबाइल फ़ोन है या आपका जो कैमरा है उसके ऊपर ये फिक्स हो जाता है, और इसकी वॉइस क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। रोड और बोया दो बड़ी फेमस कंपनी है, जो अगर आप इनको हम रेट करें तो रोड के माइक बहुत अच्छे होते हैं, और जो उसके बाद क्वालिटी आती है वो बोया के माइक होते हैं। इसकी लेटर ऑन हम अनबॉक्सिंग करेंगे, और ये जो जो भी इक्विपमेंट मैंने आपको बताया इसकी हम टेस्ट भी करेंगे और इनका रिव्यू भी करेंगे कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं और कौन सा बेहतर है और कौन सा जो है वो किस में प्रोज हैं, किस में कौन से हैं, किस में खामियां हैं, किस में खूबियां हैं, वो डिटेल से हम डिस्कस करेंगे और उसका यूज़ भी कर सकें। इसके अलावा आप अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स एरिया में हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपकी आपको डिटेल बता सके। वैसे मैं कैमरा या इन चीज़ों का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो भी बेस्ट इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं आपको डिलीवर कर सकूँ। ये एक आप कह लें स्ट्रिप है, जो कि अगर आप अपने जो कि आपका ट्राईपॉड है, जैसे मैं आपको बताऊं ट्राईपॉड क्या होता है। ट्राईपॉड अगर आपको मेरी वीडियो में ये नज़र आ रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैंने आपसे डिस्कस नहीं की। इसके ऊपर आप ये स्ट्रिप लगा सकते हैं ट्राईपॉड के ऊपर, जो कि आप डिफरेंट चीज़ें फिर इस पे, ये आप यूँ समझ लें कि ये एक ट्राईपॉड एक्सटेंशन है, राइट। अगर आप सिंपल ट्राईपॉड लगाएंगे उसके ऊपर आप सिर्फ एक चीज़ इक्विपमेंट यूज़ कर सकेंगे, आप दूसरी कोई चीज़ नहीं यूज़ कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए आपको, अगर आप ये लगाएं इस पे आप लाइट भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसके दूसरे मोबाइल फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं, इस पे आप कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कैमरा यूज़ करेंगे तो ये बाद में जब हम कैमरे की ये जो हमारे पास सोनी का कैमरा है इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे तो आपको इसके बारे में डिटेल भी बताएंगे कि ये कैसे जो है वो वर्क करता है, और इस डिवाइस को या इस इक्विपमेंट को, ये जो हमारे पास है स्ट्रिप, इसको हम कैसे यूज़फुली अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके अलावा ये हो गई चंद ज़रूरी चीज़ें। ये भी है, ये मेमोरी कार्ड है। जब आप कैमरा लेने जाएंगे हो सकता है उसमें इंटरनल मेमोरी हो सकता है उसमें इंटरनल मेमोरी ना हो, तो आप जो है वो सैंड डिस्क का या किसी भी एक अच्छी कंपनी का अपने कैमरे के लिए कार्ड ले सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इफ़ यू वॉन्ट टू स्टार्ट विद योर मोबाइल फ़ोन, गो हैड एंड जस्ट स्टार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने चैनल को सेटअप कर सकते हैं, कौन कौन सी आप अपने कौन से एरिया को टारगेट कर सकते हैं, किस तरह आप उसको मोनेटाइज कर सकते हैं, अपने चैनल को अप अर्निंग की तरफ लेके जा सकते हैं, अपने चैनल को किस तरह आप ग्रो कर सकते हैं हम आपको बताएंगे, आप किस तरह अपने लाइक्स बढ़ा सकते हैं, किस तरह आप कौन से एरियाज़ को फोकस करने अपने चैनल को इम्प्रूव करने के लिए, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि आपने नहीं करनी। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें और गूगल आपका जो है वो चैनल लॉक कर दे, या आपका जो पूरा गूगल अकाउंट है जिसमें जीमेल, जिसमें यू नो यूट्यूब, जिसमें और बहुत सी जितनी भी चीज़ें आप गूगल की प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, वो गूगल आपको ब्लॉक कर सकता है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट एरिया में पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपको बता सकें। इसके अलावा एज़ यूजुअल आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपके लिए अवेलेबल हो। थैंक यू।